ये तो हवा के बाद में धूप ना लग नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज है 10 जनवरी। अभी पिछले दो दिन से कोई ब्लॉग आ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा बिजी थे इस वजह से। तो सॉरी गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है, थोड़ा ऑफिस जाना है, आज लेट चल रहे हैं। और हमारी मैडम क्या बना रही है मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बन रहा है आज? आलू गोभी, फ्राइड आलू गोभी। ये क्या हो रहा है? आलू फ्राई हो रहे हैं। ये क्या है? फ्राइड गोभी। फ्राइड गोभी आज तो हमें खाने को मिलेंगे, फ्राइड गोभी। और गाइस मैं आपको मौसम दिखा दूँ। हवा चल रही है बहुत तेज, हवा चल रही है बहुत तेज। रहे हैं भजन, हम थोड़ा थोड़ा भजन चल रहे हैं। ये देखो भजन चल रहे हैं और खाना भी बन रहा है। तो मैं चल रहा हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। नहा लिया मैंने, पूजा भी कर ली है। और नाश्ते में क्या है आज? हैं माय ऑल टाइम फेवरेट आलू प्याज के पराठे विथ सॉस। आज मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैंने लास्ट टाइम गलत बोल दिया था सॉस को, लोग हंस रहे थे। तो दोस्तों मैं ये खा लेता हूँ, बड़े गर्मा गर्म पराठे हैं। फ्रेंड्स आज मुझे मिल रहा है लंच के लिए अंगूरी पेठा पंछी का, जो कि आगरा से आया है स्पेशल। और ये है फ्राइड आलू गोभी की सब्ज़ी जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका था, साथ में चपाती। मैं आपको पेठा ना खोल के दिखाता हूँ। देखो ये ना अंगूरी वाला पेठा है, इसको अंगूरी पेठा बोलते हैं आगरा का। ये देखो गाइस, मज़ा ही आ जाएगा खा के। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारे पतिदेव का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। अब इनका थोड़ा मेकअप चलेगा। हाँ जो भी है, लीजिए अपना लंच बॉक्स। आज उठे लेट, कोई बात नहीं, बट आराम से जाना। सो करते हैं इन्हें टाटा बाय बाय। चलो बाय बाय, विदा कर देते हैं। बस आने वाली है इनकी लिफ्ट, कोई बात नहीं, खा लेना। आपके आलू के परांठे के चक्कर में लेट हुआ है। मजाक मजाक, चलो बाय, राधे राधे। बड़ी सर्दी हो रही है, देखो आप सभी, बड़ा प्यारा मौसम है। और ये खड़ी है हमारी बुलेट, गंदी हो गई है, काफ़ी दिनों से चलाई नहीं है मैंने, बट सर्दी ज़्यादा है तो मैं आजकल लेके जाता हूँ गाड़ी। और चलते हैं अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में। देखो वो खड़ी है मेरी किया सेल्टॉस ब्लैक कलर वाली। ये रही अपनी गाड़ी, ये अपना टॉप है, अपनी गाड़ी खड़ी है, ऑन कर लेते हैं। सब कुछ, ये मम्मी के कागज पड़े हैं कल मेडिकल के, मैं कल करके आया था उनका मेडिकल का काम। और गाइस सबसे पहले करते हैं अपने गणेश जी को प्रणाम, और उसके बाद करते हैं इंजन को स्टार्ट। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। चलो तो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद में, ऑफिस जाने के बाद। गाइस मैं आ चुकी हूँ वापस, और अब साफ सफाई, किचन पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, और मौसम तो बहुत प्यारा हो ही रहा है। और उसके बाद मैं जिम जाऊंगी साफ सफाई करने के बाद नहाने। ये देखिए गाइस, मौसम आज साफ है, इतना कोहरा नहीं है जितना बाकी दिन था। होप आज धूप निकल आए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही हूँ धूप का, बट पता नहीं निकलेगी या नहीं। तो गाइज मैं भी अब नहा चुकी हूँ, और मैंने आज अपने हेयर वॉश किए थे, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद जाऊँगी नीचे धूप में। हो सकता है थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई हो, लग तो रहा है मौसम, देख बाकी नीचे जाके ही पता चलेगा कि आज धूप निकली है नहीं। थोड़े हेयर ड्राई भी हो जाएंगे मेरे, तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद नीचे चलेंगे, और नीचे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे धूप निकली भी है या नहीं। तो गाइस चलते हैं नीचे पार्क में धूप खाने, अगर निकली तो, नहीं तो वापस आना पड़ेगा।
यहाँ हमें करना पड़ेगा थोड़ा लिफ्ट का इंतज़ार, क्योंकि ये 20th फ्लोर पे है और हमारा 16th फ्लोर पे है, पर लगभग ये आने ही वाली है लिफ्ट। तो गाइज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बाकी आप देख सकते हैं मौसम तो साफ है लेकिन धूप नहीं निकल रही है, बहुत थोड़ी बहुत ही निकल रही है। नहीं गाइज निकल रही है धूप तो, सो आई एम वेरी लकी कि आज मुझे धूप के दर्शन हो गए और मैं अपने बाल सुखा पाऊंगी। मैं पार्क साइड नहीं गई थी क्योंकि यहाँ से थोड़ी डायरेक्ट धूप मिल जाती है। तो गाइज यहीं पे धूप खा लेते हैं हम। तो गाइज काफी अच्छा लग रहा है धूप में। गाइस धूप तो लगी रही है, साथ में हवा भी बहुत तेज चल रही है, तो चलिए कहीं बैठते हैं। मुझे एक बेंच मिल गई है खाली, तो इसी पे हम बैठ लेते हैं। तो गाइज हमारे पतिदेव आ चुके हैं ऑफिस से और फ्रेश होके बैठ चुके हैं और लेके आए हैं ये मोमोज, मोमोज हैं ये फ्राइड मोमोज और ये है चटनी, चिली सॉस, चटनी बोल लो विद मेयोनेज, ये है थोड़ी सी मेयोनेज। और आज हम खाने वाले हैं क्या, फ्राइड मोमोज, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी पड़ रही सर्दियाँ, सर्दियों में गर्म गर्म थोड़े मिल जाते हैं। आज खाने का बड़ा मन कर रहा था, भूख लग रही थी, ऑफिस से लेट हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा मोमोज ले आया और उसके बाद खाएंगे खाना, देन फिर सोएंगे थोड़ी देर फोन चला के। चलो सही है। तो दोस्तों आज बन रहे हैं हमारे यहाँ पे क्या, स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल है ना, चाहे तो मोमोज बना लेंगे हम इनसे, चाहे बन जाएंगे स्प्रिंग रोल। तो ये कट रही है, क्या कट रहा है ये है पत्ता गोभी, ये कट चुकी है इतनी सारी, और पत्ता गोभी के साथ थोड़ी सी कटेगी प्याज, थोड़ी सी कटेगी गाजर। तो तुम्हें कैसे ख्याल आया आज ये बनाने का, मोमोज खाने के बाद इनको मोमोज खाने के बाद और मोमोज खाने होते हैं, एक बार हमारे घर पे भी बने, तब भी चाहिए थे ना तुम्हें, हाँ। तब तुम्हारा पेट नहीं भरा था, इसीलिए मुझे लग रहा है तुम्हें आज भी चाहिए या तो सही है, आज क्या बना रही हो, पर पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता, हाँ तो इसलिए आज तुम घर पे बना रही हो। मैं ले आया था फिर भी तुम्हारा मन कर रहा था खाने का, इसलिए घर पे बन रहे हैं आज। तो इन्होंने बोला कि मोमोज तो हमने खा लिए, थोड़े से स्प्रिंग रोल भी बनाऊंगी, हाँ मतलब मोमोज का ही बड़ा रूप है वो, हाँ क्योंकि स्टफिंग जो है वो सेम ही रहती है दोनों की। सही है, तो क्या क्या डलेगा इसमें, गोभी डलेगी, गाजर डलेगी और प्याज डलेगी, बस चटनी हमारे पास बची हुई है ही जो हम लेके आए थे उसी की, ठीक है वही डाल लेंगे। चलो मैं थोड़ी ना हेल्प करा रहा हूँ, बट हेल्प बस मैं इतनी करा रहा हूँ कि इनके साथ बैठा हूँ तो इनका मन लगा रहेगा, यही हेल्प है ना, इतना ही काफी है। चलो तो आपको बनते हुए दिखाऊंगा मैं कैसे बनेंगे, अभी तो हो रहा है। गाजर छिल गई, मेरे को बड़ी पसंद है गाजर, चलो जल्दी जल्दी बना दो यार, भूख लग रही बहुत तेज, सर्दियों में गाजर काफी अच्छी आ रही है अभी।